मैं नॉर्मली कोई भी फिश हो या चिकन हो घर में कट करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मुझे पसंद भी है इसे कट करना, तो मैं बाहर से ऐसे ही लेके आती हूँ, घर में कट कर लेती हूँ अपने हिसाब से। क्योंकि अगर मैं दुकान से कट करती हूँ तो मुझे पसंद नहीं आता है, और उन्हें हर वक्त बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भैया ऐसे कट करो, मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए। तो इससे बेहतर है कि भैया घर में लेके आओ और खुद कट करो अपने हिसाब से। जैसे कि आज मैंने पॉमफ्रेट फिश कट कर रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर कर दूँ कि मैं कैसे फिश को कट करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास तो यहाँ पे चार चार पीस ही है पॉमफ्रेट का, और ये एकदम ताज़ा है, एकदम फ्रेश है। नॉर्मली मार्केट में इतनी फ्रेश नहीं मिलती है। और आपको कैसे पता चलेगा, ये जो इसका आँखें है जो आई से बहुत शाइन करता है, जितना फ्रेश होता है उतना ही शाइन होता है। और इसका जो गिल है, जो गिल का पोर्शन है वो एकदम रेड रहता है, मतलब फ्रेश जैसे ही रहता है, टाइट होता है। लाइक फिश फिश को आप प्रेस करोगे, अब देखिए अब ऐसे प्रेस करोगे तो ये टाइट लगेगा, हार्ड लगेगा। तो जितना टाइट होता है उतना ही फ्रेश होता है। अभी तो मेरे पास सीजर है और नाइफ है, नॉर्मल वेजिटेबल्स जिसमें आप कट करते हो, क्योंकि बड़ा वाला नहीं मेरे पास। और ये आटा का जो पैकेट है उसी का ही हाफ पोर्शन है, रिसाइकलिंग आप बोल सकते हो। सबसे पहले आप ये फिन को कट कर लीजिए। पॉमफ्रेट बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसका हड्डी भी बहुत ही सॉफ्ट नरम होता है, तो बहुत आसानी से आप इसको सीजर से ही कट कर सकते हो। इसमें जो सॉफ्ट वाला है थोड़ा थोड़ा, उसी लेवल में हम बड़ा वाला फिन कट कर लेंगे। आप पूंछ जो है, बीच का जो हिस्सा है उसी लेवल से हम इसको कट कर लेंगे। पूंछ को अगर आप पूरा कट करोगे वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं हमेशा थोड़ा लंबा रखती हूँ। अगर आप चाहो तो पॉमफ्रेट का कोई भी फिन कट नहीं भी कर सकते हो, वो भी देखने में अच्छा लगता है। और फिश को जब आप सर्व करोगे देखने में अच्छी होनी चाहिए, लाइक कोई भी खाना, बस फिश नहीं, कोई भी खाना देखने में अच्छी होनी चाहिए। अब कोई कोई ये हेड को, जो सिर का पोर्शन है, ये कट कर देता है, पूरा निकाल देता है, पर हमें रखना ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि देखने में अच्छा लगता है और खाने में भी मुझे पसंद है छोटा छोटा सॉफ्ट। अब कोई भी शेप में आप इसे कट कर सकते हो, जैसे आप कोई डिजाइन बनाना चाहते हो या फिर नॉर्मल कट करना चाहते हो, नहीं भी कट करना चाहते हो, पर कट करने से इसके अंदर मसाला चले जाते हैं फ्राई करते वक्त और टेस्ट अच्छा आता है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी शेप में कट कर सकते हो। थोड़ा ध्यान से, क्योंकि नाइफ कभी कभी स्लिपी होता है और शार्प होता है, उंगली कट होने का डर रहता है। अब टामी के पोर्शन में हम नाइफ का जो कॉर्नर है उसी से हम थोड़ा ऐसे कट कर लेंगे, हाफ इंच 1 इंच के आसपास, क्योंकि इसके अंदर जो निकालना है, जो फेंकना है वेस्टेड पार्ट, वो आप उंगली से बाहर ले आ सको, इतने ही आपको लाइक बड़ा करना है। थोड़ा धीरे धीरे, ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, आप फिंगर डालोगे तो वो पता चलेगा क्या क्या है उसमें, आप बस उसको खींच के ले आइए बाहर ऐसे ही। बहुत इजी है, बस इतना सा ही है, एकदम फिशी लग रही है ये। अब बाकी का भी सेम प्रोसेस से आप कट कर लीजिए। अब देखिए धोने के बाद, लाइक थोड़ा सा मैं क्लीन करके बाद, ये ऐसे ही लगेगा देखने में, अच्छा लगता है ऐसे ही। मैं एक्चुअली एक चीज़ बताना भूल गई थी,
जब अब इसके टॉमी के अंदर से, पेट के अंदर से जो नर्व्स है या फिर जो गॉल ब्लैडर है, जब ये ऐसे निकालोगे थोड़ा ध्यान से, क्योंकि गॉल ब्लैडर अगर वो फट जाता है तो उसका टेस्ट एकदम कड़वा हो जाता है। और कैसे निकालना है, हेड का पोर्शन अपनी तरफ रखिए और पूछ आगे की तरफ, और ये हार्ड वाला पोर्शन है, स्टोमक का बोल सकते हो, ये लाइक एकदम सर के नीचे गले के यहाँ पे रहता है, तो आप फिंगर डालोगे यहाँ पे और उंगली से आप उसको खींच के बाहर निकाल के ले आइए। ये फैट पोर्शन है, अगर आप चाहो तो इसको रख भी सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो आप इसको फेंक भी सकते हो। आप इसे बीच में से ऐसे ही कोई भी शेप में कट कर लीजिए, ऐसे ही, मतलब अलग अलग तरीका से अगर आपको पसंद है तो। मैं इसमें एंगल लाइक इस एंगल से मैं कट करूँगी। जब ऐसे कट करना है लाइक थोड़ा स्लैंटिंग लाइन में, तो आपको ध्यान रखना है दो साइड में आपको डिफरेंट होनी चाहिए, लाइक सेम पोर्शन में नहीं होनी चाहिए, उल्टा होना चाहिए, सो दैट कि जब आप फ्राई करोगे, अगर आप फ्राई करो तो वो नहीं टूटेगा। अगर सेम पोर्शन में होता है, सेम वे से होता है, सेम एंगल में होता है तो टूट जाएगा। बस ऐसे ही है, बहुत ही ईजी है, आप घर में ट्राई कीजिए, खुद को भी अच्छा लगेगा। और अगर कोई भी जानकारी हो तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइए।